नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राम मंदिर को लेकर रण, जी हां, रामलीला मैदान में दिल्ली में सभा बुलाई गई है और लाखों लोगों के यहां जुटने का दावा किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की सभाओं के जरिए राम मंदिर का निर्माण हो सकता है और इस तरह की सभाओं से क्या कोई असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सरकार को इस तरह की सभाओं से कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा? सवाल यही है। लेकिन तस्वीर देख लीजिए, सबसे पहले 6 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ उमड़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और समर्थक यहां पर देखिए अलग अलग अंदाज में भी पहुंच रहे हैं। संतों का जमावड़ा है और अयोध्या में बनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए यहां पर संत समाज के लोग पहुंचे हैं, राम भक्त पहुंचे हैं। मंदिर बनाने का संकल्प लेकर रामलीला मैदान में तमाम लोग पहुंचे हैं, राम भक्त हैं, संत हैं और समाज संगठन से जुड़े हुए बाकी लोग भी पहुंच रहे हैं। दिल्ली में यह बड़ी सभा बुलाई गई है और इसकी वजह से हम आपको बता दें कि ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया, तो अगर आप रामलीला मैदान के आसपास या उधर से गुजर रहे हैं तो उससे पहले ट्रैफिक कहां कहां डाइवर्ट कर दिया गया है उसके बारे में भी जानकारी ले लें अगर आप दिल्ली में हैं और आज रविवार के दिन भी अपने घर से निकलकर इस इलाके में कहीं जा रहे हैं तो। लेकिन सीधे लौटते हैं और अब हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। देखिए, मौलाना अब्दुल हमीद साहब धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है सर आपका। राजकुमार फलवारिया साहब संघ विचारक हमारे साथ हैं, HS रावत धर्मगुरु हमारे साथ हैं, यति मां धर्मगुरु हमारे साथ हैं और वसीम गाजी साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन रामलीला मैदान का सबसे पहले एक बार रुख कर लेते हैं। रविकांत मेरे सहयोगी वहां पर सुबह से ही मौजूद हैं जो पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रविकांत, एक बार दिखा दीजिए तस्वीर और बता दीजिए कि कौन कौन पहुंच गया। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहे कि ना सिर्फ राम भक्त बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी आज रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर सांसद के रूप में नहीं आए हैं, एक राम भक्त के रूप में यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर भीड़ जो है उमड़ रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए रामलीला मैदान जो है यहाँ पर राम भक्तों के सैलाब से उमड़ पड़ा है और अभी समय बाकी है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होने जा रहा है, हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी विश्व हिंदू परिषद से हैं। सुरेंद्र जी, कौन कौन आ रहा है और कितनी भीड़ की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? ऐसा है, दिल्ली और दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश के लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र से और हरियाणा से यहाँ से राम भक्तों का जनसमूह है। तो चलिए, अलग अलग जगहों से राम भक्त पहुंच रहे हैं। VHP का दावा है कि 4 से 5 लाख लोग यहां पर जुट जाएंगे। आज शाम 4 बजे तक ये सभा चलेगी, लेकिन सवाल यही है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है क्या वो हल हो पाएगा? HS रावत साहब, सबसे पहले आपके पास, VHP ये कह रही है कि VHP की तरफ से बयान आया कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती, इस तरह की सभाएं, इस तरह का आंदोलन हम करते रहेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। लेकिन सरकार के भी आज नेता पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान, वो कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। अगर राम भक्त हैं तो फिर इस तरह की सभा बुलाने की जरूरत क्यों? देखिए विद्यानाथ जी, परिवार में एक पिता बड़ा होता है, लेकिन 4 बच्चे अगर उसके हों तो चारों बच्चे पिता पे प्रेशर मेंटेन करते हैं कि मुझे बाइक दे दो, मुझे बढ़िया क्वालिटी की कोई साइकिल दे दो। अगर एक ही परिवार के सब लोग हैं और अगर प्रधानमंत्री जी या सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित तौर पर हमारा फर्ज बनता है, राम भक्तों का फर्ज बनता है क्या आप हमें एक अच्छा राम मंदिर बनाने कह रहे हैं? सरकार सुनने को तैयार नहीं है क्यों? आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छे बच्चे की तरह ये तमाम जो राम भक्त हैं वो जिद करने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे हैं। 4 साल 4.5 साल में अगर सरकार ने नहीं सुना तो 6 महीने में सरकार को कैसे आप सुना देंगे? राजकुमार जी, 6 महीने में सरकार को कैसे सुनाएंगे आप बताइए? 6 महीने में क्या कर देंगे आप लोग? मैंने ये कहा कि ये जो आंदोलन है, धर्म सभा है, ये सरकार को संज्ञान लेने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए, सरकार को बाध्य करने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीका है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कह चुके हैं बीजेपी के कि इंतजार कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट का, जो ये उनका मत है, ये डेट है, उससे कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है, जो मत है, उन्होंने अपना रखा है। लेकिन जन भावना, राम भक्त और जन समुदाय की जो आस्था, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का क्या माध्यम हो सकता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन तक अपनी बात को पहुंचाने का धरना है, अपना विचार प्रकट करने का। देश पूछ रहा है कब तक सर प्रधानमंत्री आप लोग बनवाते हैं, मंत्री आप बनवाते हैं, सांसद आप बनवाते हैं, विधायक आप बनवाते हैं, लेकिन राम मंदिर आपसे नहीं बनता।
राम मंदिर के, मैंने जैसे कहा कि राम मंदिर का विषय दो चरणों की लड़ाई है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की लड़ाई चल रही है और एक जनता की अदालत में लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ की लड़ाई में हम चाहते हैं कि सहमत संविधान की संवैधानिक तरीके से एक निर्णय हो एक और पावर सरकार के पास केवल और केवल और सरकार को बैक आप लोग करते हैं, आपका संगठन सरकार को बैक करता है कि नहीं करता है बता दीजिए आज। नहीं, हम केवल विचार के आधार पर करते हैं सर, निश्चित आधार पर। क्या सरकार को आप झुका नहीं सकते या फिर ये मामला ऐसी चलता रहेगा? हम किसी को झुकाने के अगले लिए पांच साल, उसके बाद फिर पांच साल, उसके बाद फिर पांच साल, यति माता फिर इस तरीके से बैठे रहे, इंतजार करते रहे, स्टूडियो में बहस कर लें। नहीं नहीं, मेरा राम मंदिर के मुद्दे सरकार भी होता रहेगा, सरकार को भी जगाने के लिए राम मंदिर बन जाए, ये जो लाखों भक्त आज पहुंच रहे हैं इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसके लिए कब तक इंतजार करें? सरकार एक संस्था है, ये मंदिर नहीं बनवा सकते, ये पूरी ताकत लगाकर भी, क्योंकि ये जो लोग हैं चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू जागरण मंच हो, आज जितने भी संगठन रामलीला मैदान में हैं और जो युवा हैं, वो लोग मंदिर नहीं बनवा सकते। ये मंदिर इनसे बनने वाला नहीं है। 4.5 साल जिन्होंने हाथ पर हाथ रखकर जो लोग बैठे रहे और एक भी कदम राम मंदिर की तरफ बढ़े नहीं, वो उन लोगों से ये उम्मीद करना कि वो अब चुनावी वर्ष में, आप 6 महीने कह रहे हैं, मात्र 4 या 5 महीने का समय है, दिसंबर चल रहा है और मई में चुनाव होने हैं, तो ये तो सिर्फ एक प्रपंच रचा जा रहा है, प्रपंच रचा जा रहा है हिंदू जनमानस को। ये मौका भी कौन दे रहा है? ये मौका भी कौन दे रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ना कि आप बाहर बैठकर फैसला कर लीजिए। नहीं, बाहर नहीं होगा इसका फैसला, कर लीजिए मौलाना अब्दुल हमीद साहब, अगर आप लोग धर्म गुरु हैं, अगर आप लोग बैठकर ये तमाम बातें कर लेते, इस मुद्दे का हल निकाल लेते, तो आज इस तरह की सभा नहीं होती जिस पर आरोप आप लोग कहते हैं कि इस तरह की सभा से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, मैंने आपके चैनल पे जो है 8-10 बार ये कहा था कि जब दो दो पार्टी में विवाद हो तो अथॉरिटी को बीच में आके दोनों पार्टी से जो है वो बात कराना चाहिए, सरकार को उस वक्त आगे आना चाहिए जब जो है जस्टिस केहर ने सरकार ने रोक दिया क्या सर आपको? है? सर सरकार ने रोक दिया क्या? ये चूंकि ये दो नहीं, सरकार ने आपको रोक दिया क्या सर? रोकने की बात नहीं है तो फिर रोका नहीं, आगे आएंगे नहीं, समस्या बात करेंगे सर। समस्या का समाधान कैसे होगा जब तक जो है कोई अथॉरिटी नहीं? आप जैसे धर्मगुरु क्यों नहीं आगे आते सर? क्यों नहीं कहते? कहिए ना, अभी कहिए, कहिए कि हम हल कर लेंगे, बुलाइए ना तमाम धर्मगुरुओं को, बुलाइए ना, हम बुलाएंगे अपने चैनल पर, बुलाइए ना तमाम धर्मगुरुओं को, हिंदू धर्मगुरुओं को बुलाएंगे, मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाएंगे, आप लोग बैठकर फैसला कीजिए ना। तो सुनिए ना हमारी, पहले 9 बार जो है बातचीत जो विफल हो चुकी है, कोई आगे पीछे हटने की तैयार नहीं है, मंशा नहीं है, बात स्पष्ट है कि मंशा नहीं है, केवल जो है वो कोर्ट का रास्ता इसीलिए लोगों ने अपनाया है कि 9 बार बातचीत जो का सिलसिला चला और वो जो है बातचीत नहीं हो पाई, विफल हो गई। क्यों नहीं हो पाई सर बताइए ना, कौन रोड़ा हटने के लिए तैयार है? बताइए ना अब्दुल हमीद, आप ये बताइए, मौलाना साहब ये बताइए, मौलाना साहब इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मौलाना साहब बताइए कि कौन रोड़ा अटका रहा है? बताइए, सरकार रोड़ा अटका रहा है, सरकार रोड़ा अटका रही है, विपक्ष रोड़ा अटका रहा है, कौन अटका रहा है बताइए? सरकार अगर जो है वो संजीदा होती, गंभीर होती, राजकुमार जी सरकार संजीदा नहीं है क्या? हाँ संजीदा नहीं है सरकार, क्या नहीं है? सरकार होती बातचीत हो सकती थी लेकिन अब नहीं होगी। सरकार का पक्ष सरकार या भारतीय जनता पार्टी रखेगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक कोर्ट के अंदर लंबित मामला है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, आप लोग भी मान रहे हैं ना कि कोर्ट के अंदर सर्वोच्च मामला है, तो सर्वोच्च न्यायालय, फिर कहिए ना, फिर आपका कोई कार्यकर्ता या नहीं पहुंचा हुआ रामलीला मैदान में? सरकार कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा हुआ, क्योंकि आप तो कह रहे ना कि अगर कोर्ट में लंबित मामला है, कोर्ट फिर क्या सभा सर? सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको विद्यालय जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसे जजमेंट दिए हैं जो जन आंदोलन, चाहे वो पर्यावरण के इश्यू हो, चाहे निर्भया के इश्यू हो, ऐसे बहुत सारे आंदोलनों के सर, कोर्ट ने तो कहा ना कि कोर्ट ने वो निर्णय कह दिया कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, एक तरफ कार्यकर्ता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, जन भावना के होने के नाते, जन आंदोलन खड़ा करना हमारा दायित्व है, और दूसरा कोर्ट के हिसाब से चले, जब एक कोर्ट आप किसी व्यक्ति के लिए रात को 12 बजे भी कोर्ट खोल सकते हैं, आप सीलिंग के मुद्दे क्यों नहीं जाते सर? कोर्ट में क्यों नहीं जाते? तो कोर्ट में गए जाकर आप लोग क्यों नहीं कहते? कोर्ट में गए, क्यों कहते सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि रात में 12 बजे एक आतंकी के लिए अगर कोर्ट खोल सकता है तो राम मंदिर के लिए कोर्ट क्यों नहीं खोल सकते? इसके लिए कहते आप लोग एक तो आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप सारा ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दिल्ली में सभा बुलाई गई है, रामलीला मैदान में लोग जुट रहे हैं, भारी भीड़ यहां पर पहुंच रही है और लाखों लोग यहां पर आज शाम 4 बजे तक पहुंचेंगे, सभा में हिस्सा लेंगे, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी हैं, HS रावत साहब।
इतनी बड़ी भीड़ आपने जुटा ली, 4.5 साल में तो कुछ हो नहीं पाया, अब 6 महीने में क्या कर लेंगे सर? जी देखिए, करने के लिए तो 52 सेकंड में भी हो जाता है। सरदार पटेल ने 52 सेकंड के अंदर आपने देखा होगा कि निजाम हैदराबाद को झुका दिया था। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब भीड़ का तंत्र आगे बढ़ता है तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसको जमानत जब्त का सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं है, आप ये मत कहिए कि अभी बहुत समय है, सरकार चाहे तो अभी बिल पास करके इसको बदलवा सकती है। ऐसा नहीं है, आप धर्मगुरु हैं सर, मुसलमान धर्मगुरु के साथ बातचीत करके किसी राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी की तरह सरकार नहीं बोलेंगे। मुझे इस बात नहीं, मुझे भरोसा है आप किसी राजनेता या पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं बोलेंगे, आप धर्म गुरु हैं। मुझे सीधे सीधे बताइए, 6 महीने में कैसे राम मंदिर बन सकता है? विद्यानाथ जी, मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं राम भक्त होने के नाते, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 6 महीने तो बहुत लंबा समय होता है। अगर सरकार अपना इसी प्रकार से, सरकार के ऊपर अगर हमारा राम भक्तों का प्रेशर रहता है तो मुझे उम्मीद है कि जरूर कहीं ना कहीं राम भक्तों की सुनी जाएगी और मंदिर निर्माण का रास्ता चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो, चाहे सरकार के थ्रू हो, चाहे बिल पास अध्यादेश ला करके बने, तो निश्चित तौर पर बनेगा। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है SC/ST कानून के ऊपर, तो क्यों नहीं कर सकती? छोटा सा कमेंट दे दीजिए, उसके बाद एक ब्रेक के लिए जाना होगा 20 सेकंड में। मेरा ये मानना है कि राष्ट्र कह रहे हैं कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है तो राम मंदिर नहीं बनवा सकती है क्या? मेरा ये मानना है कि इस देश की जनभावनाओं को न्यायालय तक और इस देश के जनमानस तक पहुंचाने का ये आंदोलन है, और इस न्यायालय को बाध्य करना और सरकार को बाध्य करना है कि निर्णय इस देश की जनभावना और आस्था के अनुरूप होना चाहिए। इस तरह के आंदोलन, इस तरह की सभाओं से अगर सरकार बाध्य हो जाती है तो ये आगे आपको पता चल जाएगा। बहुत वक्त अब बचा नहीं है 2019 के चुनाव से पहले, उससे पहले ये जोर है तमाम नेताओं और संगठनों की तरफ से कि राम मंदिर बनाए सरकार, उसके लिए कदम उठाए सरकार। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।